प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व और बायोलॉजिकल पार्क पर्यटकों के लिए दोबारा खोले जाने के बाद रौनक लौटने लगी है। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में काफी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही देखी जा रही है। पार्क के एसीएफ जगदीश गुप्ता ने बताया कि पार्क में कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए पर्यटकों को प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं पर्यटक भी वन्य जीवों को देख कर काफी खुश नजर आ रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया था लॉकडाउन को, हम भी घर में काफ़ी टाइम से एक तरह से परेशानी हो गए थे, कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाए। अब एकदम से खुला तो सोचा कि बच्चे भी परेशान हो रहे, थोड़ा सा घूम फिर आए, इस वजह से पार्क वगैरह देखने हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बायोलॉजी पार्क खुला है। बच्चों के जैसे बच्चों को बोर हो रहे थे, थोड़ा उनका भी टाइम पास हो, बाहर घर से निकले हैं, अच्छा लग रहा है। पार्क में आए हैं, बच्चे भी खुश हैं। कोरोना की वजह से जो पहले 17 अप्रैल से और नागर जैविक उद्यान गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हाउस बंद किया गया था, अब उसको खोल दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पर्यटक के लिए मास्क होना अनिवार्य है। साथ में मेन गेट पर टिकट चेक करते समय उनके साथ थर्मल स्कैनिंग की जाती है, ताकि किसी व्यक्ति को टेम्परेचर वगैरह हो तो उसका पूर्ण रूप से वहाँ देखा जाएगा। हाथ को सैनिटाइज भी कराया जाता है, ताकि पार्क अंदर जाते समय किसी प्रकार का वो उसके साथ कोई तकलीफ नहीं हो। पार्क में जानवरों के साथ में कहीं दूर से देखने में कहीं इस तरह का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है।